नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ओडिशा से टकराया महाप्रचंड फोनी तूफान, आ चुका है 20 साल का सबसे खतरनाक तूफान। ओडिशा में 3 की मौत, पूरी की गई इलाके जलमग्न, कई झोपड़ियां तबाह। चक्रवाती तूफान फैनी की पूर्व तट की और मुड़ने के कारण ओडिशा में 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया। यह देश का अब तक सबसे बड़ा आपदा पूर्व अभियान है। चक्रवात ने ओडिशा के पूर्वी में दस्तक दे दी है। विशेष राहत आयुक्त के मुताबिक तटीय इलाकों से निकाल कर लोगों को 880 चक्रवात केंद्रों, स्कूल कॉलेजों की इमारतें और अन्य ठिकानों जैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ओडिशा के 14 जिले पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजक, खुर्दा, जाजरपुर, नयागढ़, कटक, गजपति, मयूरभंज, ढेंकानाल और देवझर के चक्रवात की चपेट में आने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चक्रवात का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इंडियन कोस्ट गार्ड इंस्पेक्टर के आर सुरक्षा गार्ड इंस्पेक्टर के आर सुरेश ने ANI को बताया कि अभी तक फैनी तूफान की वजह से समुद्र में किसी के मौत की खबर नहीं आई है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान फोनी से 3 लोगों की मौत। वहीं झारखंड में आज आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां रद्द कर दी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने आज यहां बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आज राज्य में कोडरमा, घुटी और रांची में होने वाले 3 चुनाव सभाएं खराब मौसम की आशंकाओं में रद्द कराई गई है। कोलकाता एयरपोर्ट से जाने वाली और आने वाली सभी उड़ानों को आज शाम 3 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक रद्द कर दिया गया है। भुवनेश्वर में तूफान फैनी का तांडव, कई इलाकों में लगे पेड़ उखड़े, इसके अलावा पूरे इलाके में हो रही तेज बारिश। तूफान फैनी का एक वीडियो PIB ने जारी किया है। इस वीडियो में तूफान फैनी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चक्रवात फैनी तूफान की जानकारी के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।